अनफोल्डेड इंडियन नॉलेज में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र एक बार फिर से आप लोगों के सामने नए विषय को अनफोल्ड करने के लिए उपस्थित हूं। मेरे इस वीडियो में आपकी रुचि बनी रहे, आप तक मेरा यह वीडियो पहुंचता रहे, इसलिए आप इसे सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में शेयर करें और बेल आइकन को दबा करके हमारी वीडियो को हमेशा प्राप्त करते रहें। 20वीं शताब्दी विज्ञान की शताब्दी रही है। विज्ञान में कुछ ऐसे परिवर्तन हुए जिन्होंने मानवीय ऊर्जा, मानवीय क्षमता, मानवीय सामर्थ्य को एक चुनौती दी। ऐसे में आप मोबाइल कह लें, आप टीवी की बदलती दुनिया कह लें, या जो लाइट है जिसको बल्ब आदि की दुनिया कह लें, एक अनूठा परिवर्तन आया। इसी क्रम में जो सबसे बड़ा परिवर्तन हमें देखने को मिला वह है रोबोट का। लेकिन क्या यह रोबोट भारतीय संदर्भ में समीचीन है? यह रोबोट क्या भारत में कभी था, या यह रोबोट क्या भारत में अब बना है? इन्हीं सारे कुछ विषयों को लेकर के हम आपके सामने यहां पर यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या प्राचीन भारत में रोबोट था। मित्रों, वेद हो, रामायण हो, महाभारत हो, या कुछ लौकिक साहित्य रघुवंश आदि ग्रंथ हो, इन सारे ग्रंथों में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से एक अद्भुत मानवीय व्यवहार का हमें उदाहरण प्राप्त होता रहा है। देवताओं के द्वारा स्वर्ग तक चले जाना, समुद्र को लांघ जाना आदि ऐसे कुछ तत्व हैं जो ये अति मानवीय होने के कारण यह बरबस सोचने के लिए बाध्य करता है कि क्या यह रोबोट तो नहीं। रोबोट यद्यपि विशुद्ध पाश्चात्य शब्दावली है, अंग्रेजी का शब्द है, इसलिए जिस तरह से हम सुनामी को सुनामी शब्द से पहली बार जान पाए, यद्यपि उस प्रकार की आंधी, उस प्रकार के झंझावात, उस प्रकार के तूफान आते रहे, हम उनको अन्य अन्य भारतीय नामों से जानते रहे, लेकिन चूंकि पहली बार लगभग 2 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हुई, इसलिए वो सुनामी सुनामी वर्ड जो है वह जगत प्रसिद्ध हो गया। इसी प्रकार रोबोट रोबोट के रूप में भले ही अपनी प्रसिद्धि बना चुका हो, लेकिन हमारे लिए यह विषय शोध का बना कि क्या भारत में रोबोटिक प्रक्रिया थी या नहीं थी। हमने रामायण की कहानी सुनी, हमने रामायण को देखा कि हनुमान जी लंका से उड़कर के हिमालय पर्वत पर चले जाते हैं और वहां से संजीवनी बुटी पूरा हिमालय पर्वत ही मानव एक तरह से उखाड़ करके ले आते हैं। अति मानवीय क्रिया है। इसी प्रकार जब हम महाभारत में देखते हैं तो भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र, वह सुदर्शन चक्र छोड़ा जाता था, अपने लक्ष्य को ढूंढता था, लक्ष्य को विध्वंस करके स्वयमेव वापस आ जाता था। भले ही हम इसे चमत्कार कहें, भले ही पाश्चात्य चिंतन और एक खास विचारधारा इसे हमारे धार्मिक प्रक्रिया कहके हमारा हास्य उड़ाए, हमारा मजाक उड़ाए, लेकिन परिकल्पना में तो विद्यमान है। वहीं हम महाभारत में देखते हैं बर्बरीक का उदाहरण, जो बर्बरीक स्वयं अपने गर्दन को काट करके हाथ पर गर्दन देता है और कटा हुआ वह गर्दन संवाद करता है भगवान श्री कृष्ण से। तो ये सारी कुछ चीजें जो है क्या अति काल्पनिक है? नहीं, हमें तब सोचने के लिए बाध्य होना पड़ता है जिसे हम यंत्र निर्मित मानव कहें या यंत्र संचालित मानव कहें, हम इनको पाते हैं अपने ग्रंथों में, इनका उदाहरण हम जगह जगह अन्यत्र स्थलों पर अवश्य ही पाते हैं।
उदाहरण के लिए यदि आप इसे देखें तो एक छोटा सा पहले मैं उदाहरण देता हूं, वह रघुवंशम के त्रयोदश सर्ग का एक कथन है कि यथा विधो में मनसोभिलाषः प्रवर्तते पश्य तथा विमानम। हम लोगों ने पुष्पक विमान के विषय में जाना, पुष्पक विमान का ड्राइवर कौन था, पायलट कौन था, इसकी चर्चा नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि रघुवंश में महाकवि कालिदास राम के माध्यम से यह बताता है, राम सीता जी से कहता है कि देखो सीते, ये जो पुष्पक विमान उड़ रहा है, जैसे जैसे मेरे मन की इच्छा होती है वैसे वैसे यह विमान कभी ऊपर कभी नीचे, कभी पक्षियों के मार्ग से तो कभी देवताओं के मार्ग से गमन कर रहा है। अब मन की अभिलाषा, क्या कोई रिमोट था क्या? या मन से अगर गति संचालित हो रही है किसी की तो ठीक है, यह भी अति काल्पनिक कह दें आप, लेकिन जब हम 11वीं शताब्दी के ग्रंथ समरांगण सूत्रधार को पढ़ते हैं तब हमें ज्ञात होता है कि किस प्रकार उस काल में इस प्रकार के मानव निर्मित स्वचालित यंत्र होते थे जिन्हें आधुनिक जगत रोबोट के रूप में जानता है। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि रोबोट है। लोगों ने हास्य उड़ाया हमारे यहां के विमान शास्त्र को लेकर के कि यह जो है ना बहुत बाद की रचना है और उसे पहले राइट ब्रदर्स ने विमान का आविष्कार कर दिया था। साहित्यिक पक्ष काल्पनिक होते हैं, लेकिन जब वो भूगोल की बात करते हैं, जब वे किसी भी स्थान विशेष की बात करते हैं, किसी मनुष्य की बात करते हैं तो उसमें यथार्थ होता है। आप महाकवि कालिदास के मेघदूतम को देखें और रामटेक पर्वत से, रामगिरी पर्वत से लेकर के अगर हिमालय की अलका नगरी तक के वो ज्योग्राफी का अगर वो वर्णन करते हैं पांचवीं शताब्दी के आसपास में, तो निसंदेह उस प्रकार का विज्ञान होगा जिसे आधुनिक युग जीपीएस कहते हैं। नहीं तो आज भी वह स्थान उसी जगह पर स्थापित है, वो नदियां उसी रूप में उसी जगह पे बह रही हैं जिसका निर्देश आज से लगभग 1600 वर्ष पहले महाकवि कालिदास ने मेघदूतम में दिया था। ये अति काल्पनिक नहीं है, ये जरूर उस विज्ञान का चमत्कार है जो उस काल में विद्यमान था। तो हम विषय लेके चल रहे हैं रोबोट, रोबोट की चर्चा हम कर रहे हैं, रोबोट के ऊपर विमर्श कर रहे हैं। मित्रों 1000 से 1050 यानी 1000 से 1050 ईस्वी के आसपास परमार वंशी राजा भोज हुए। राजा भोज संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान के रूप में माने गए हैं। उन्होंने कई प्रकार के साहित्य की रचना की है। एक ओर वे सरस्वती कंठाभरणम श्रृंगार प्रकाश की रचना करते हैं तो दूसरी ओर वे समरांगण सूत्रधार का निर्माण करते हैं जो उस काल के समस्त वास्तु विद्या, वास्तु कला और यंत्र विद्या के ऊपर प्रकाश डालता है और वो वस्तु बनते कैसे हैं, बनाया कैसे जाना चाहिए उसके ऊपर विमर्श करता है। और तदनुसार हम देखते हैं कि एक ऐसे लकड़ी से निर्मित तारों से बंधे हुए इस प्रकार के मानव स्वचालित यंत्र यानी स्वचालित यंत्र का निर्माण हम देखते हैं जिसका पूरा उल्लेख 31वें अध्याय के पद्य संख्या 101 से लेकर के 107 तक हमें प्राप्त होता है। हम वहां पर पाएंगे कि रात में चोरी करने वाले चोर को ये रोबोट या तो तलवार से या गदा से या जिसे हम भाला कहते हैं कुंत, उनसे ये मर सकने की क्षमता रखते थे, मनुष्य नहीं, मनुष्य निर्मित एक यंत्र। ये आईना दिखाता है अर्थात हाथ में मिरर लेकर के अपने जो जो व्यक्ति है जो आईने में अपने चेहरे को देखना चाहे उनको वो आईना दिखाता है। वो वीणा आदि यंत्र बजा सकता है। इस प्रकार के यंत्र की हम वहां पर उल्लेख पाते हैं। इससे पूर्व भी पाली ग्रंथों में हमें उल्लेख मिलता है अजात शत्रु की कहानी के माध्यम से एक जगह है कि जहां पर भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अवशेष रखे हुए हैं और उनकी रक्षा के लिए एक यंत्र मानव वहां पर स्थापित कर दिया गया है। और यह कथन प्राप्त होता है कि अजात शत्रु ने कहा था कि यह तब तक इस
अवशेष की रक्षा करता रहेगा जब तक कोई दूसरा राजा आकर के उन अवशेषों को लोगों में या अन्यत्र वितरित न कर दे। ये मैं नहीं कहता, ये ग्रंथ में इस तरह का उल्लेख प्राप्त होता है और मैंने पहले ही कहा है कि साहित्य में यदि इस चीज का विश्लेषण प्राप्त होता है तो वह काल्पनिक नहीं है, हम कहीं ना कहीं उसे यथार्थ के रूप में ले चलते हैं। हमारे लिए शब्द प्रयोग प्राप्त होते हैं यांत्रिक मानव, हमारे लिए शब्द प्राप्त होते हैं यांताकारा अर्थात उस यंत्र का निर्माण करने वाला। इसके साथ ही अगर हम समरांगण सूत्रधार के उन पद्यों को समझना चाहें, उस पद्यों को पढ़ना चाहें, तो जो 101वां पद्य है, 101 यानी जो 101st जो वर्स है, 8 वर्षों में इन्होंने कहा है, अगर आप उसे जाने तो देखिए, कहते हैं कि दृग ग्रीवा ताल हस्त प्रकोष्ठ बाहूरूप हस्त शाखादि सच्छिद्रम वपुरखिलम तत्संधिषु खंडशु घटयेत। मतलब आंखों, गर्दन, हथेली के पीछे, अग्रभाग, बाहों, जांघों, उंगलियों के साथ एक मॉडल बनाएं, बनाया जा सकता है। पूरे शरीर को पूरी तरह से बनाए अर्थात जिस प्रकार मनुष्य का एक शरीर होता है उस पूरी तरह से उस शरीर का निर्माण करें और पूरे शरीर में छोटे छोटे छिद्र बनाए और प्रत्येक छिद्र को खंडों में जो धातु के तार होते हैं उनसे बांध दें। अब देखिए ये निर्देश है, वहां पर वो कलाकृति एक बनाई जा रही है जिसके विषय में कथन किया जा रहा है। फिर क्या करना है तो फिर कहते हैं श्लिष्टम कीलक विधिना दारुमयम सृष्ट चर्मणा गुप्तम पुंक्षोथ वा युवत्या रूपम कृत्वाति रमणीयम। अब आप जो वो जो यंत्र मानव का निर्माण करेंगे तो वो यंत्र मानव पुरुष भी हो सकता है या वो नारी भी हो सकती है। तो जो कीलक विधि अभी यानी जो छिद्र को के में तारों से बांध करके वो पूरा शरीर जो है वो लचीला होना चाहिए, उसमें इलास्टिसिटी होनी चाहिए अर्थात वो किसी भी एंगल से वो मुड़ सके, उस प्रकार उसका बंधन होना चाहिए। मॉडल लकड़ी का होना चाहिए और बनाई गई जो कृत्रिम त्वचा है, देखिए कृत्रिम त्वचा, उस कृत्रिम त्वचा से उस वह शरीर ढका होना चाहिए ताकि लगे कि यह मनुष्य की तरह है, मानव की तरह है। इसका रूप या तो पुरुष की तरह हो या युवती की तरह हो और देखने में जो अत्यंत रमणीय हो अर्थात पुरुषवत मनुष्यवत आकृति ऐसे रोबोटों की होती थी, बनाए जाते थे इन विधियों से बनाए जाते थे। फिर रंध्रगतः प्रत्यक्षम विधिना नाराज संगत यह सूत्र यह ग्रीवा चलन प्रसरण विकुंचनादीनि विदधाति। मतलब प्रत्येक अंग को पतले धातु के तारों का उपयोग करके व्यवस्थित रूप से आप उसे जोड़ें, इसके गर्दन, गर्दन का विस्तार यानी लंबाई चौड़ाई या मोटाई, संपीड़न आदि और अन्य प्रकार का संचालन तब संभव हो पाएगा जो अभी हमने बातें की कि किस प्रकार से धातु के तारों से उसे बांधा जाना चाहिए कि वो किसी भी प्रकार से मुड़ सकते हों। फिर कहते हैं ये 104वां पद्य है कि कर ग्रहण तांबूल प्रदान जल सेचन प्रमाण आदि प्रणाम आदि आदर्श प्रतिलोकन विद्यादि च करोति वीणा वाद्यादि च करोति। अब इसे समझिए, इसके माध्यम से कहा जा रहा है कि यह मानव जैसा यंत्र हर प्रकार की सेवा कर सकता है, हर प्रकार का कार्य कर सकता है। जैसे हाथ पकड़ना यानी कोई अगर आ रहा है व्यक्ति, कोई अगर जबरदस्ती प्रवेश कर रहा है तो यह उसके हाथ को पकड़ लेगा। पान देना, पान यानी तांबूल जिसे कहते हैं, पान सुपारी इलायची आदि, वो किसी दूसरे को सेवा में आपको पान दे सकता है वो यंत्र निर्मित मानव। पानी का छिड़काव करना अर्थात बाग बगीचे में उद्यान आदि में जो स्प्रिंकलिंग होता है, वाटर स्प्रिंकलिंग करना, वो पानी का छिड़काव कर सकते हैं। इसी तरह से आने वाले लोगों को सैल्यूट करना, प्रणाम करना, ये कार्य करते थे।
दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखना, अपना भी प्रतिबिंब देख सकता था, दूसरे को भी अपना प्रतिबिंब उसमें दिखा सकता था। वीणा आदि वाद्य यंत्र को बजाना, ये सारे कार्य ये यंत्र मानव करते थे। इसी प्रकार से एवं अन्यदपि चेदृश मेतत् कर्म विस्मय विधाय विधत्ते जृंभितेन विधिना निज बुद्धेह कष्टमुक्त गुण चक्रवशेन, कि इस तरह अन्य कार्य भी यह पूरा कर सकता है जो एक आश्चर्य उत्पन्न करने वाला होता है। अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए यह निरंतर आकर्षण और मुक्त करने के चक्रीय गुणों के कारण कार्य करता है। यानी ये नृत्य भी कर सकता था, ये प्रदक्षिणा भी कर सकता था, ये जिम्नास्टिक जो है वो उलटबाजी नहीं लगा सकता था। तो ऐसे विस्मयकारी कार्य ये यंत्र मानव करते थे। पुंसो दारुज मूर्ध्व रूपं कृत्वा निकेतन द्वारी तत्कार योजित दंडम निरुनद्धि प्रविशताम वर्तमान। अर्थात ऊपर बताए गई बातों के अनुसार लकड़ी का आदमी बनाने के बाद उसे अपने घर के दरवाजे पर रखें, मतलब द्वारपाल के रूप में, द्वार रक्षक के रूप में ऐसे को रखा जाता था। ये निर्देश है कि ऐसे यंत्र निर्मित मानव को आप अपने घर के द्वार रखें। क्यों रखें? कि जो आपने उसके उसमें जो हाथ लगाई है वह उन आगंतुकों को वो नियंत्रित करेगी जो आपके घर में प्रवेश करना चाहते हैं। आज भी हम आपको कॉल बेल आदि लगा करके अपने घर में प्रवेश की बात करते हैं, लेकिन राजा महाराजा या जो धनी आदि लोग होते हैं वो अपने यहां सुरक्षा गार्ड जो होता है उनको, सिक्योरिटी गार्ड जो है पर्सनल है उनको रखते हैं अपने घर की सुरक्षा के लिए। लेकिन प्राचीन काल में यह निर्देश है कि ऐसे को अगर आपने द्वार के पास रखेंगे तो आने वाले लोगों को यह नियंत्रित करेगा, वो पता करेगा कि उनको घर में प्रवेश दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। अपनी बुद्धि से, अब अपनी बुद्धि से मतलब मानव के द्वारा जो उसमें चीजें डाली गई होगी, जिसे आज की भाषा में हम प्रोग्रामिंग कह लेते हैं, जो अगर जिस जैसा हम प्रोग्रामिंग करेंगे उसी प्रकार का रिएक्शन होगा। तो वहां पर भी उनमें जो की जाने वाली प्रोग्रामिंग के अनुसार वह लोगों को जाने आने का परमिशन देता होगा। और खड्ग हस्तमथ मुद्गर हस्तम कुंत हस्तम अथवा यदि तत्स्यात् तन निहंति विशतो निशि चौरान द्वार संकृत मुखम प्रसभेन। देखिए क्या कह रहा है, खड्ग हस्तम अर्थात हाथ में तलवार लिए हुए हो, मुद्गर हस्तम मुद्गर गदा हाथ में लिए हुए हो, कुंत हस्तम हाथ में या तो भाला आप दे देते हैं, यदि अगर ऐसा है कोई हथियार है तो यह रात में प्रवेश करने की कोशिश करने वाले चोरों को नष्ट कर देता है, यह घर में प्रवेश करने की कोशिश करने वाले छद्म लोगों को भी दंडित करेगा। अर्थात भले ही आज हम रोबोट से एक युद्ध एक देश से दूसरे देश के ऊपर हम उनका युद्ध में उपयोग ले लेते हैं, लेकिन हमारे यहां जो ये प्राचीन भारतीय रोबोट जो है वो देखिए किस प्रकार से मानवोपयोगी कार्यों में यहां पर उनको नियुक्त बताया जा रहा है। यानी यह रोबोट हिंसक भी हो सकता है, यह रोबोट अहिंसक भी हो सकता है। अर्थात आप अपने घर में बैठे हैं, ये बाहर आपके घर में चोरों को आने से रोक लेता है, हर प्रकार की सुरक्षा आपको प्रदान करता है। ये चापाद्या ये शतज्ञादयोस्मिन् ग्रीवाद्याश्च दुर्गस्य गुप्त्यै ये क्रीडायाः क्रीडनार्थं च राज्ञां सर्वेऽपि स्युर् योगतस्ते गुणानाम्। अब इसको देखिए क्या कहते हैं कि ये जो यांत्रिक उपकरण है, ये मिसाइल जो है जिसको शतग्नि जो है ना, 100 लोगों को मारने वाला टैंक आदि जिसे आप कह दें, ये युद्ध मशीनें और युद्ध के दौरान किला आदि की रक्षा करने के उपयोग में लाया जाने वाला यह रोबोट हुआ करता था। इनसे आप इनको आप गुड़िया के रूप में इस्तेमाल, यानी डॉल जिसे कहते हैं, खिलौने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब उस रोबोट के संगठन यानी उस रोबोट के निर्माण और उस रोबोट के गुण के ऊपर निर्भर करता है। तो मित्रों ये 8 पद्य हैं जिन पद्यों के माध्यम से हम उस काल में जो प्रयोग में लाए जाने वाले यंत्र मानव है हम उनका उदाहरण पाते हैं, उनका कार्य, उनको बनाए जाने की कला पाते हैं। हां
इनके निर्माण की विस्तृत विधान उस काव्य में, विस्तृत विधा जो है या विस्तृत नियमावली जो है उस कार्य उस ग्रंथ में प्रस्तुत नहीं किया गया है, क्योंकि इसके लिए भी भूमिका में ये बातें लिख दी गई है कि यदि इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाए तो इसका दुरुपयोग हो सकता है। तो इस दृष्टि से हाँ, ये जरूर किसी मैन्युस्क्रिप्ट में, किसी पांडुलिपि में अवश्य मैं समझता हूं कि यह लिखा होगा कि किस प्रकार व्यापक रूप से किस रोबोट का निर्माण किया जाना चाहिए, लेकिन यहां पर यह उल्लेख मात्र इतना बताता है कि 11वीं शताब्दी के आसपास हमारे इस भारतीय भूमि पर कुछ इस प्रकार मानव बुद्धि से, जिसको हम कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का निर्माण किया गया, जिसके माध्यम से लोग हर प्रकार के कार्य लेते थे और मनुष्य अपनी अनुपस्थिति में उस रोबोट के माध्यम से चाहे गार्डनिंग का काम करवाना हो, चाहे घर की रक्षा का काम करवाना हो, करवाते होंगे। हम जब लोग कहते हैं तो ये जनरलाइज्ड टर्म होता है, क्योंकि जिस प्रकार आज सबके पास रोबोट नहीं है, उसी प्रकार उस काल में भी सबके पास यह बातें नहीं होंगी, ये चीजें नहीं होंगी, लेकिन जिस प्रकार विशिष्ट वर्ग आज अपने पास द्रोण आदि रख लेते हैं, उसी प्रकार विशिष्ट वर्गों के पास यह रोबोट तथाकथित यंत्र मानव स्वचालित यंत्र अवश्य ही विद्यमान होगा। तो मित्रों, ये जो प्राचीन भारतीय रोबोट विद्या है, ये बहुत दिनों से इस पर मैं कार्य कर रहा था और इसका यहां तक परिणाम रहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय के एक सिलेबस में हमने इसे प्रस्तुत किया है, ताकि हमारे छात्र इसके माध्यम से यह पढ़ सकें कि किस प्रकार प्राचीन काल में हम लोग रोबोट का उपयोग करते थे, या सांकेतिक रोबोट ही है जो हमें प्राप्त होता था। इतना तो सत्य है, इतना तो निश्चित है कि हमारा विज्ञान कभी भी इतना पीछे या इतना नीचे नहीं रहा जिसे हमें हमारी नजरों से ही दूर कर दिया गया। हमारे सामने केवल उन्हीं विषयों को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया जाता रहा जो लोगों में सामान्य था। जितनी भी विशिष्ट बातें थी, इनको लोगों ने हमारे रूप से, हमारी संपत्ति के रूप में, हमारी ज्ञान विधा के रूप में, भारतीय इंडियन नॉलेज सिस्टम के रूप में इसे कभी स्वीकार नहीं किया। मित्रों, आपसे भी यह अपेक्षा है कि इस वीडियो को सुनने के बाद इस पर एक परामर्श करें, विमर्श करें, और भारतीय परिप्रेक्ष्य में यदि इस प्रकार के रोबोट का निर्माण आप कर सकें तो यह समझता हूं कि एक अवदान होगा। आप लोगों ने इसे ध्यानपूर्वक सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि विषय और विषय की सामग्री अगर अच्छी लगी हो तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें, जरूर इसे शेयर करें। मैं आगे भी इसी तरह के कुछ और रोचक विषयों को लेकर के आपके सामने उपस्थित होता रहूंगा, ऐसे विषय जो अनछुए हैं, जो अनफोल्डेड हैं। धन्यवाद।